नमस्कार। आपने अभी पहले पार्ट में त्योथर का वास्तविक इतिहास देखा, त्योथर का जातीय समीकरण समझा हम लोगों ने, और त्योथर में रहा चुनावी इतिहास, कौन सी पार्टी का कितना असर रहा ये हम लोगों ने देखा। हमने कुछ चर्चित नामों पे चर्चा की, जैसे कि श्यामलाल द्विवेदी, कौशलेश तिवारी और देवेंद्र सिंह। आइए हम कुछ और नामों पे चर्चा करते हैं और जानते हैं त्योथर का राजनीतिक समीकरण। अगला नंबर है डॉक्टर अनिल तिवारी जी का। आप एमए एलएलबी पीएचडी धारक होने के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े व्यक्ति हैं। आपका नजरिया सभी समुदाय और वर्गों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। डॉक्टर अनिल तिवारी जी युवा पीढ़ी के प्रति अपनी प्रेरणादायक भूमिका के जरिए उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। आप शारदा देवी मेमोरियल स्कूल और कॉलेज के संस्थापक हैं और इसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा को नई दिशा प्रदान करते रहते हैं। आप पूर्व में 2010 से 15 के बीच में त्योथर नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे, जहां इन्होंने सड़क, पानी, नाली, सफाई इत्यादि के अनेक सुधार किए। राजनीति में इनकी सेवा और समर्पण को समझते हुए त्योथर क्षेत्र के लोगों को इन पर गर्व है। अब देखना यह है कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। अगले प्रावधान पर हैं सुनील शर्मा जी। आपको याद होगा सुनील शर्मा जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव से राजनीति में कदम रखा, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर यह साबित कर दिया कि राजनीति में आने के लिए किसी पार्टी या बड़े बैनर की आवश्यकता नहीं होती। सोनल शर्मा मिलनसार, मददगार और विशेष गंभीर व्यक्तियों में से एक है। इनकी पत्नी वर्तमान में जनपद सदस्य हैं, जिसका पूर्णतः श्रेय सोनल शर्मा जी को ही जाता है। लोगों की माने तो सोनल शर्मा राजेंद्र शुक्ला जी, जो वर्तमान में जनसंपर्क मंत्री हैं, उनके बेहद करीबियों में से एक हैं। अब शायद यही बात इनके टिकट की दावेदारी पेश करती है। खैर, लोकप्रियता की बात करें तो 40% लोकप्रियता के साथ शर्मा जी को नकारा नहीं जा सकता। अगला नाम है मधुकर द्विवेदी जी का। द्विवेदी जी एक पत्रकार, समाज सेवी, सामाजिक चिंतक के रूप में समाज में स्थापित हैं। अपनी पत्रकारिता का लोहा मनवा चुके द्विवेदी जी ने राजनीति में हाथ आजमाने का प्रयास किया, तो त्योथर की धरती से ही उन्होंने शुरुआत। लगातार जनसंपर्क, आम सभा विगत कई वर्षों से अनवरत चालू है। बेहद गंभीर और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी द्विवेदी जी ने सिर्फ और सिर्फ जनसेवा को ही अवसर की सीढ़ी बना लिया। 7% लोकप्रियता के जनता की पिच में अपनी साफ छवि रखने वाले द्विवेदी जी के प्रशंसकों द्वारा तो क्रिकेट की दावेदारी पेश की जाती रही, लेकिन स्वयं द्विवेदी जी ने अभी हाल फिलहाल में बीजेपी पार्टी की सदस्यता राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि बीजेपी का भी दामन थामने के बाद द्विवेदी जी ने टिकट की दावेदारी तो नहीं पेश की, लेकिन जनता की नजरों में इनकी दावेदारी है। हालांकि जनता का कहना है कि मधुकर द्विवेदी जी ने पर्सनल तौर पर कई लोगों की थाने, कचहरी इत्यादि परेशानियों में मदद की, इसलिए वो लोग मधुकर द्विवेदी जी के साथ तन मन धन से लगे हैं। लेकिन लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मधुकर द्विवेदी जी ने त्योथर में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर सवाल कभी क्यों नहीं उठाना। इसलिए यह भी धारणा है कि कल को सत्ता में आने के बाद भी ये इन्हीं के प्रति समर्पित रहेंगे। चर्चा तो यह भी है कि द्विवेदी जी द्वारा अराजक तत्वों को भी संरक्षण मिलता रहा। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है ये जनता जाने। इनके अलावा भी और कई उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख नाम है सुशील कुमार मिश्र जी। त्योथर के लोग ये भूल चुके हैं कि सुशील मिश्रा कभी त्योथर बीजेपी के आधार रहे हैं और पंडित रमाकांत तिवारी तक से मोर्चा संभाला है। एक वक्त था जब सुशील मिश्रा बीजेपी में नंबर एक के नेता माने जाते थे, लेकिन रमाकांत तिवारी ने बीजेपी से जुड़ने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य में सिर्फ इसलिए ग्रहण लगा दिया क्योंकि वो बीजेपी में जमे रहे। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में यदि सुशील मिश्रा ने सही समय में कांग्रेस का दामन थामा होता तो कम से कम एक बार तो विधायक बने ही होते। वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता और वकील, जिनके भाई पूर्व में त्योथर से विधायक थे, ऐसे सुशील मिश्रा जी चुनाव में टिकट की दावेदारी रखते हैं या नहीं, लेकिन पार्टी हित में सदैव जुड़े रहे। अगला नाम है राजन गौतम जी का। पार्टी के सच्चे सिपाही, हर मोड़ पर पार्टी के साथ खड़े रहने वाले राजन गौतम का जीवन संतुलित और सभ्य रहा है। अगर वो टिकट की दावेदारी नहीं पेश कर पा रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ धन है, क्योंकि बेहद साधारण और गरीब परिवार से आते हैं राजन गौतम जी। अगला नाम है अशोक तिवारी, राजापुर। श्यामलाल द्विवेदी को चुनाव जितवाने में अशोक तिवारी का बड़ा योगदान था, ऐसा मैं नहीं, जनता कहती। कानूनी दांवपेच में माहिर अशोक तिवारी की छवि गंभीर, पढ़े लिखे और हर योजना को त्योथर में लाने के सूत्रधार के रूप में मानी जाती है। पर्दे के पीछे काम करने वाले अशोक तिवारी त्योथर में आई कई योजनाओं को महती योगदान से निभाया है, चाहे वह त्योथर में नहरों का जाल, राजापुर की पुल की बात
हो, राजापुरा जोरा मार्ग की बात हो या फिर नया नवेला औद्योगिक स्थान, इन सभी कामयाबियों में अशोक तिवारी जी का बेहद योगदान रहा है। पार्टी ऐसे नेताओं की तलाश में है जिनमें अशोक तिवारी बिल्कुल फिट बैठते हैं। अगला नाम है प्रशांत पाठक जी। एक शिक्षण संस्थान से लोगों के हृदय तक स्थान बनाने वाले प्रशांत जी अपने ओजस्वी और विभाग भाषणों के लिए काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन पर सामाजिकता के आरोप लगाए जाते रहते हैं। पार्टी के आला अधिकारियों और युवाओं में इनकी लोकप्रियता इन्हें टिकट की दावेदारी में खड़ा तो करती है, पर शायद अभी समय है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ भी एक लंबी लिस्ट है दावेदारों की, लेकिन हम कुछ ही प्रमुख चेहरों की बात करेंगे। रमाशंकर सिंह पटेल। पिछले दो विधानसभा चुनावों से कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए रमाशंकर जी का इतिहास काफी रोचक रहा है। पिता की गद्दी में आए रमाशंकर जी त्योंथर में जातीयता की टिप्पणी को अभी तक सिद्ध करते आए हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले कुलदीप सिंह राठौर पर्यवेक्षक बनते उथर पधारे थे तो रमाशंकर जी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जो सोशल मीडिया में अभी तक तैर रही है। ब्राह्मणों की अधिक जनसंख्या वाली सीट से ब्राह्मणों को नकारने वाले इकलौते नेता हैं जिन्होंने बीते पिछले दो चुनाव में ज्यादातर ब्राह्मणों से वोट न मांगने या ब्राह्मण बस्तियों में प्रचार प्रसार न करते हुए भी सिर्फ 5,000 के अंतराल से हारे। 5,000 का अंतराल ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में हारने के लिए वो भी बिना ब्राह्मणों की मदद के लिए एक बड़ी बात है। हालांकि रमाशंकर पटेल जी द्वारा अपनी छवि सुधारने पर काफी काम किया जा रहा है, ब्राह्मणों और बाकी जनता के दिलों में जगह बनाने में वो कामयाब रहे। ओबीसी वोट को समेटे हुए तीसरी बार कांग्रेस की नैया में सवार होने को तैयार रमाशंकर जी कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के बीच 80% लोकप्रियता रखते हैं। कांग्रेस पार्टी में अगला नाम है अशोक मिश्र जी का। एक रसूखदार पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले अशोक जी पूर्व शिक्षक और पूर्व मंत्री रहे गरुण मिश्रा जी के भाई हैं। क्षेत्र में गुरु घराने के कारण महाराज की पदवी में काबिज अशोक जी कांग्रेस पार्टी के मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं। आपको याद होगा भास्कर राव रोकड़े के सम्यक अभियान का हिस्सा बने और सम्यक अभियान से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाने का बेड़ा अशोक मिश्रा जी ने उठा लिया था। स्वच्छ छवि और कुछ ज्यादा ही स्पष्ट वक्ता के रूप में एक अच्छी राजनीतिक छवि रखने वाले अशोक मिश्रा जी की लोकप्रियता 60-70% तक मानी जा सकती है। हालांकि पिछले चुनाव में पार्टी भीतरघात की गलत आरोप भी इन पर लगते रहे, फिर भी कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में इनकी गहरी पैठ है। घर से काफी संपन्न अशोक मिश्रा जी के बारे में यह कहा जाता है कि राजनीति में वो सेवा भाव से आए हैं, राजनीति को बिजनेस समझकर मैदान में वो कतई नहीं आए। अगला नाम है कांग्रेस की ओर से सिद्धार्थ तिवारी और सुराज का। सफेद शेर की छवि रखने वाले बिंद के कद्दावर नेता श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पौत्र एवं सुंदरलाल तिवारी जी के पुत्र हैं। पिछले चुनाव के लोकसभा प्रत्याशी रह चुके सिद्धार्थ तिवारी ने अब विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की और उन्होंने त्योंथर को ही अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। त्योंथर कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कौशलेश त्रिवेदी जी सिद्धार्थ तिवारी के संरक्षक बने। जनता की माने तो पूर्व प्रत्याशी रमाशंकर से मतभेद होने के बाद बदला लेने की नियत से कौशलेश त्रिवेदी ने सिद्धार्थ तिवारी को त्योंथर का रास्ता दिखाया और उनके लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले कौशलेश त्रिवेदी जी के ही इशारों पर ही चलते हुए सिद्धार्थ ने घर घर में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। अब क्योंकि कौशलेश त्रिवेदी जी की छवि त्योंथर में बहुत अच्छी नहीं है जिसका खामियाजा कहीं न कहीं सिद्धार्थ तिवारी जी को भी भोगना पड़ रहा है। पायलट प्रोजेक्ट की तरह रीवा से डायरेक्ट त्योंथर आने वाले सिद्धार्थ तिवारी की लोकप्रियता तो 70% है। युवाओं में सिद्धार्थ तिवारी की खासी पैड है। जनता की माने तो बाहरी प्रत्याशी होने के नाते सिद्धार्थ तिवारी के नाम को लेकर पार्टी आला कमान और त्योंथर की जनता असहज तो महसूस कर रही है, लेकिन इससे सिद्धार्थ की दावेदारी में कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चहेते सिद्धार्थ तिवारी त्योंथर से चुनाव की दावेदारी पेश करना लगभग तय है। अब टिकट का क्या होगा ये पार्टी ही जाने। अगला नाम है पीयूष तिवारी जी का। पीयूष तिवारी जी एक साधारण से परिवार के बेहद सरल और सुलझे व्यक्ति हैं। आप परिवारवाद की राजनीति या वंशवाद को चुनौती देते हुए संपूर्ण त्योंथर के लोगों में काफी लोकप्रिय हैं। इनका मानना ये है कि जब हमारा विकास हमारे युवा पीढ़ी का विकास होगा तो संपूर्ण त्योंथर विकासशील होगा। अपनी साफ सोच के साथ 70-80% की लोकप्रियता रखने वाले पीयूष तिवारी जी कांग्रेस पार्टी से एक बड़े दावेदार के रूप में सामने हैं। अगला नाम है गीता मांझी। गीता मांझी पूर्व में जनपद अध्यक्ष के साथ साथ एक लौती महिला दावेदार हैं। गीता मांझी की लोकप्रियता 50% तक जनता के बीच में मानी जाती है। साफ सुथरी छवि
छवि रखने वाली गीता मांझी जी कांग्रेस की महिला नेत्री हैं। हालांकि अभी तक के तेउथर चुनावी इतिहास में महिला दावेदारों पर गीता मांझी के अलावा किसी का नाम आजमाया नहीं गया। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुकी गीता मांझी जी इस बार अपनी दावेदारी कांग्रेस से देने का मन बना चुकी है। अब पार्टी आलाकमान अगर महिला पर दांव खेलता है तो गीता मांझी एक प्रबल दावेदार के रूप में सामने आएंगी। अगला नाम है धर्मेश शुक्ला जी का। कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड युवा नेता धर्मेश शुक्ला को द खबरदार न्यूज के सर्वे में दूसरा स्थान मिला। यह रिजल्ट काफी चौंकाने वाला था क्योंकि सिद्धार्थ के बाद धर्मेश शुक्ला को सबसे ज्यादा वोट मिले। धर्मेश ने रमाशंकर सिंह पटेल को इस वोटिंग में बहुत पीछे छोड़ते हुए लोकल प्रत्याशियों में पहला स्थान हासिल किया था। अगला नाम लक्ष्मी शंकर मिश्र जी का है। आप देवथर पूर्वांचल के एक साफ सुथरी छवि वाले सुलझे हुए नेता है और जनता के बीच में काफी लोकप्रिय है। अब टिकट का निर्धारण क्योंकि पार्टी शीर्ष नेतृत्व करेगी उसके बारे में अभी से बात करना कोई उचित नहीं होगा। इन सभी नेताओं का टिकट की दावेदारी पेश करना और जनता का वोट देकर किसी एक को चुनना ये हर 5 सालों में होता आया है, लेकिन तेउथर की अभी तक की बुनियादी मांग भी पूरी नहीं हो पा रही है। तेउथर में आज भी ऐसे गाँव है जिन तक सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल तो कई है लेकिन उनमें शिक्षा नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर कब तक इन्हीं मांगों से जूझता और लड़ता रहेगा तेउथर। हालांकि तेउथर को जिला बनाने की मांग भी बड़ी तेजी से उठ रही है जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा तो समय समय पर किया जाता रहा है, लेकिन बीजेपी पार्टी के नेता किसी भी तरह का कोई वादा करने से बचते नजर आए। इस बात में कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में तेउथर जिला बनाओ मुहिम चुनाव और दावेदारों के बीच एक बड़ा पुल साबित हो सकती है। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, जय श्री राम।